शुरुआत करते हैं जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। सभी पार्टी राजनीति की दौड़ में आगे निकलने की पूरी कोशिश में लगी है और इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा ने नवीन दुमका विधायक लाल कुआ और हरीश चंद्र दुर्गा पूर्व कांग्रेस मंत्री और कांग्रेस नेता से खास बातचीत की है। हैं बीजेपी के विधायक लाल कुमार से नवीन दुमका जी, सर टीवी में आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है सर। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है सर, ऐसे में अब जनता के बीच फिर दोबारा जाना है, 5 साल मौका मिला, क्या क्या उपलब्धियां इन 5 वर्षों में रही लाल कुमार के लिए जो आपने काम कराए सर? देखिये सामान्यतः मैं मानता हूँ कि जो सेना शांति काल में पसीना बहाती है उसको युद्ध काल में बहुत ज्यादा मार काटनी कसनी पड़ती, ये मेरे साथ भी लागू होती है। मैं निरंतर सड़क पर रहने वाला आदमी हूँ और पूर्णकालिक कार्यकर्ता और विधायक हूँ। मेरे पास जैसी समस्याएं आई मैंने उनको हल करने का प्रयास किया। लगभग 30 बिंदुओं पर मैंने काम किया, जिनमें सबसे बड़ा है मोतीनगर में हमारे 200 बेड का एक गांव में पहली बार इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है, जो मैंने कहा ना सपना साकार करने वाली सरकार है, तो 200 बेड का अस्पताल गाँव में सपना ही होता है। उसके बाद गोलापार में अभी 3 विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज हमने खोला है, चोरगलिया में टंच बियर और साथ ही साथ एक टाइगर रिजर्व आ गया था। टाइगर रिजर्व आप जब आता है जैसे कॉर्बेट पार्क है उसके आसपास लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, तो हमारी सरकार ने टाइगर रिजर्व को समाप्त किया और सेंसिटिव जोन उसको भी वहाँ से 20-30 किलोमीटर पीछे किया, जिससे वहाँ पर लोगों का उद्योग, नदी खनन, रोजगार सब चीज़ बहाल हुए। अभी बिंदु खत्ता मेरी विधानसभा का आधा हिस्सा वन भूमि में है, तो मैंने एक जियो कराया कि वन राजस्व गांव नहीं बना पाएंगे तब भी राजस्व गांव जैसी सुविधाएं देंगे, उसमें बैंक लोन, सरकारी खरीद अनाज की, खाद का भंडार, बीज का भंडार और आसान किस्तों पर कोऑपरेटिव बैंक से ऋण, कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएँ, ये चीज़ें हमने वहाँ पर दी। ताकि इतनी उपलब्धियों के बावजूद जो अपोजिशन है कहीं ना कहीं निशाना साधते हैं कि 5 वर्षों में क्षेत्र की जो विकास होनी चाहिए थी वो विकास की गति धीमी रही, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। हम मेरे विधानसभा में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर पाताल तोड़ कुआं बनता है, RTN बनते हैं, मैंने 87 RTN दिए हैं, इससे पहले एक भी नहीं था। 87 RTN में हमें मानते हैं कि 1 RTN में 5 से 10 लोग सिंचाई करते हैं और पानी पीते हैं, अब उनने एक भी नहीं दिया। शौचालय उनने कितने दिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 1500 शौचालय में 1500 से अधिक ही शौचालय गरीब आदमियों के बनवा चुका हूँ। इसी प्रकार से बिंदु खत्ते थोड़ा तराई का क्षेत्र, वहाँ पर नदी नाले बहुत होते हैं, मैंने 11 पुल बनाए, कनेक्टिविटी दी, आज 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी कम हो गई। ये विषय ऐसा है जिसको कोई आदमी ये तो नहीं कहता कि मेरा काम हुआ, लेकिन अच्छा काम हुआ सब बोलते हैं। अब आने वाली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, आपको क्या लगता है कि मौका अगर जनता दे तो आप आने वाले 5 सालों में क्या कुछ लाल कुआं के लिए आपकी रोड मैप तैयार है? देखिए लाल कुआं में ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है, उसको बनाएंगे। एक बाईपास का मैंने प्रस्ताव जारी गतिमान है, उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर बंगाली कॉलोनी और जो बस्तियाँ हैं उन बस्तियों में आज की डेट में टेम्पो नहीं जा सकता, मैंने वहाँ पर हाथ से हैंडपम्प खुदवा करके पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। आगे कोशिश ये होगी कि उनकी जो और ज़रूरतें हैं, छोटे टिन शेड हैं, गलियाँ सभी पक्की हो जाएँ और उनको थोड़ी और सुविधाएँ मिल जाएँ, इस पर कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विधानसभा में 12 राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज या गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं, 12 के 12 को हमने 30 लाख से लेके 105 लाख तक का रुपया बिल्डिंग और लैब के लिए दिया है, उससे बच्चों का उसमें आकर्षण बना है, लैब बनी है तो बच्चे अभिभावक अपने बच्चों को भेज रहे हैं। शिक्षा के सुधार का प्रयास किया है, एक संस्कृत अध्यापक छोड़ के बाकी सारे विषयों के अध्यापक सभी स्कूलों में हैं, मेरे सभी चिकित्सालयों में डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर सभी चिकित्सालयों में ड्यूटी पर हैं। ये गांव में यही चाहिए कि चिकित्सा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, सड़क की कनेक्टिविटी भी हो, पानी, मैं दावा करता हूं कि मेरी विधानसभा में सड़क कनेक्टिविटी, पेयजल और बिजली की समस्या नहीं है। यानी जो तमाम उपलब्धियां विधायक जी आप बता रहे हैं उन उपलब्धियों के, आपके अपने क्षेत्र की सरकार की उपलब्धियों को जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो कहता है कि जो बेरोजगारी, महंगाई जैसा मुद्दा है जो सरकार के लिए आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान होगा, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पिछली बार भी माननीय हमारे जो विपक्ष में थे माननीय बड़े भाई दुर्गापाल जी, वो समय श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री होते हुए बहुत कुछ नहीं कर पाए, इसको लोग आज भी बोलते हैं।
मैं विधायक हूँ और मेरे विषय में बहुत ईमानदारी से लोग जानते हैं कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए अगर हो सकता है तो वहाँ करता हूँ, उसके पीछे फिर डंडा लेके भी जाने की जरूरत पड़े तो वहाँ तक जाता हूँ, कराता हूँ। आज यहाँ पर छोटे छोटे रोजगार के रूप में रोजगार बढ़ा है, जिसमें MSY है और बैंक के तमाम योजनाएं हैं, लोग छोटे छोटे रोजगार भी खोल रहे हैं, विशेषकर पर्यटन वाले क्षेत्र में और होटल व्यवसाय में। जब भी कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया था, लेकिन अब ये व्यवसाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे 5 साल जनता के लिए काम किया है, जो समस्याएं लाल कुआं की थी उसका निदान की हर संभव उन्होंने कोशिश की, 2022 के बाद भी रोड मैप तैयार है, पार्टी मौका देगी तो क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ वो चुनाव मैदान में। अपने सहयोगी संदीप कुमार और सरविंदर विश्व के साथ राहुल वर्मा, TV100 लाल कुआं।